सूर्योदय के पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठे आज क्या करना है उस पर विचार करें कि कैसे करना है। उसके बाद आप अपने इष्ट को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद कि कल मेरा अच्छा बीता, आज उससे अच्छा बीते, मेरे मन में कोई गलत विचार न आए, मेरी वाणी और कर्म से किसी को दुख न हो, मैं सबसे प्रेम कर सकूं। और ये कहे कि करे हे मेरे इष्ट देव प्रभु, आज मैं जो भी बातचीत करूं और जो भी निर्णय लूं उनमें दिव्य बुद्धि हो, उसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। कृपया मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए क्योंकि मैं आपका ही का अंश हूं और मुझे दिव्य बुद्धि दीजिए। छोटे बच्चे से प्रेम करें, उनके साथ समय बिताएं, अपने शरीर पर ध्यान दें। स्वस्थ शरीर में ईश्वर का वास होता है, जिनमें बुद्धि भी होती है। उसके लिए आप योग और एक्सरसाइज करें, फिर नहा धोकर पूजा करें, फिर पौष्टिक नाश्ता करें, फिर अपने नियमित काम पर ध्यान दें और उन्हें करें ये सोच कर कि ये मेरा कर्तव्य है। अच्छी सोच रखें, इसके लिए आपको अच्छे कर्म करना होगा, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, अच्छे सुविचार पढ़े और उस पर अमल करें। मंदिर या धर्म स्थल जाए, मंदिर जाए और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे और पूरी दुनिया को शांति दे, सभी सुखी हो और मुझे ये सामर्थ्य दे कि मैं परमार्थ कर सकूं, मुझ में सत्य प्रेम करुणा और आनंद जागृत हो ताकि मैं पूरी तरह से सतुनिष्ठ होकर अपने कर्म को ईमानदारी और पूरी लगन उत्साह से कर सकूं। रचनात्मक सोच के अनुसार कार्य करें, आप हर काम को नए तरीके से करने की सोचे और उन्हें करें, इससे बुद्धि का विकास होगा। याद रखें, अगर गलती हो जाए तो उसमें सुधार कर उसे पूरा करें, गलती को मानकर उसमें सुधार करके कार्य करने से बुद्धि का विकास होता है। कम बोले, सबको प्रणाम और आदर करें। कम बोलने का मतलब ये है ज्यादा बिना मतलब का बोलना अपनी ऊर्जा को खत्म करना होता है, लेकिन उचित समय पर उतना ही बोले जितना आवश्यकता है। सबको प्रणाम और अभिवादन करें। हर चीज को गौर करके अपने मन में ही उसे विश्लेषण करें। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप हमेशा अपने आप को जागृत रखें, जहाँ भी जाए उस स्थान का मन ही मन में निरीक्षण करें। अगर उसमें सुधार हो सके तो मब ही मन में उस सुधार को कैसे किया जाए, इससे बुद्धि को नए तरीके से काम करने की आज़ादी मिलेंगी, जिससे आप उचित समय पर कर सकती है। अपना स्वाभिमान से समझौता न करें, किसी भी लोभ या संबंध बनाए रखने के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता न करें, नहीं तो भविष्य में आपको पछतावा हो सकता है। तनाव से बचे, तनाव से बचने के लिए आपको भरपूर नींद चाहिए जो तनाव मुक्त हो। किसी की बात को ईगो न ले, बस गलत बात पर उससे जवाब न दे और ईश्वर से ये प्रार्थना करे कि ईश्वर इसे सद्बुद्धि दे ताकि ये इसमें सुधार कर सके। वर्तमान में जिए, आप न तो अतीत की बात याद करें न ही भविष्य के बारे में प्लान बनाए, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर अतीत को याद करेंगे तो सबसे पहले बुरा क्षण याद आता है जिससे दुख उत्पन्न होता है। न ही भविष्य विषयवाणी न कते का प्लान बनाए, सब कुछ अपने इष्ट पर छोड़ दे, वे जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नहीं आप किसी के बारे में उसके भविष्य में बारे में भविष्यवाणी न करें, लेकिन एक अच्छी सलाह अवश्य दे सकते हैं। सभी के परमेश्वर और उनके धर्म स्थल का आदर करें, सभी धर्म का और उनके अनुयायियों का सम्मान करें, उन्हें उचित आदर दें क्योंकि ईश्वर तो एक है, भले ही उनके तरीके अलग हो, सभी इंसान आप ही की संतान है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। मुझमें कोई ऊंच नीच की भावना न हो, सबके साथ समान व्यवहार कर सकूं। प्रार्थना, ईष्ट देव आपका धन्यवाद है कि मेरा आज का दिन अच्छा बीता, इसके लिए आपको धन्यवाद। आगे भविष्य में जो भी करूं उसमें मुझे दिव्य बुद्धि दीजिए। इस प्रकार दिन के अच्छे क्षणों को याद करते हुए सो जाए। अब बात करते हैं कि दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म का अर्थ है अधि जोड़ आत्म, आत्मा संबंधी। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जिह्वा और त्वचा। इन ज्ञानेन्द्रियों से हम क्रमशः 5 विषयों रूप शब्द गंध स्वाद और स्पर्श को ग्रहण करते हैं, यही हमारे सांसारिक भोगों का आधार है। संतों और भगवंतों का स्पष्ट उद्घोष है कि इन 5 ज्ञानेन्द्रियों से जो कुछ भी ग्रहण होता है वह मायिक पदार्थ है, इनसे हम आत्मा और परमात्मा को नहीं जान सकते। भगवान श्री राम ने कहा है, गो गोचर जहम लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जब हमारी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं तो वे बाहर में मायिक पदार्थों या विषय भोगों को ग्रहण करती रहती हैं। उस समय हमारा मन बिल्कुल बहिर्मुखी रहता है। इस अवस्था में आत्मा का ज्ञान तो दूर की बात है, आत्मा का भान भी होना मुश्किल है। आत्मा संबंधी अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक को अपने शरीर के अंदर ही चलना पड़ता है। यह अंतर्मन ध्यान के द्वारा संभव होता है।